नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर धर्मेंद्र ने पीएम को बताया फकीर बादशाह। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव रुझानों में शानदार प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी ने 325 सीट पर बढ़त हासिल कर ली है। बीजेपी को ट्वीट पर बधाई देते संदेश मिलने शुरू हो गए हैं और बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक हस्तियां तक ने उन्हें ट्वीट पर बधाई दी है। बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी की टिकट पर गुरदासपुर से चुनाव लड़ रहे सनी देओल के पिता धर्मेंद्र देओल ने ट्वीट पर लिखा है, फकीर बादशाह मोदी जी, धरती पुत्र सनी देओल बधाई, अच्छे दिन यकीनन आएंगे। इस धर्मेंद्र ने पीएम मोदी को बधाई दी है। सनी देओल पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव रुझान में वे अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी एनडीए गठबंधन शानदार अंदाज में सरकार बनता नजर आ रहा है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में जबरदस्त ढंग से जनता का दिल जीतने में कामयाबी हासिल की है। सही साबित हुई उमर अब्दुल्ला की भविष्यवाणी, जम्मू का अमित शाह को दिया है। हालांकि साल 2017 की विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद उमर ने एक ट्वीट किया था ने विपक्ष को 2019 को भूलकर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी करने की सलाह दी थी। उमर की यह भविष्यवाणी आज सच साबित हो गई है। पूरे देश में जीती बीजेपी, लेकिन 25 साल बाद हुई मनोहर पर्रिकर की सीट पर हार। गोवा की पणजी विधानसभा सीट बचाने में भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की परंपरागत सीट पणजी पर 25 साल बाद भाजपा की हार हुई। पर्रिकर के निधन के बाद खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के अतानासियो मोन उर्फ बाबू मोन्सेरात ने भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ कुनकालेकर को 1758 मतों से शिकस्त दी है। मोन्सेरात को 8748 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 6990 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर है। वहीं आम आदमी पार्टी के वाल्मीकि नायक और गोवा सुरक्षा मंच के प्रत्याशी फेलिंगर को क्रमांक 236 और 516 मत मिले। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।